गन्ना विभाग के डिप्टी चेयरमैन व विधायक पद के प्रत्याशी ने की प्रेस वार्ता। फर्जी गोलीकांड का किया खुलासा। कहते हैं कि कभी कभी मदद करना भी मुसीबत में डाल देता है, लेकिन मानवता के नाते आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करेगा। ऐसा ही एक अजीब व गरीब मामला प्रमुख समाज सेवी व गन्ना विभाग के डिप्टी चेयरमैन के सामने उस वक्त पेश आया जब उन्हीं का मौसेरा भाई उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का जाल बुना बैठा, जिससे कुपित डिप्टी चेयरमैन ने प्रेस वार्ता कर आज इसका खुलासा किया। मामला बरेली जनपद के गांव रायपुर हंस का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है, मैं रायपुर हंस का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम भानु प्रताप है। मेरे भाई की अभ्यास की सर्वेश प्रवेश ने 1.5 साल पहले गोली मार रखी है। उसमें 20 तारीख दी है, 20 तारीख गवाही की दी है। उसमें हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर्वेश प्रवेश और उनके भाई संगम 7 तारीख को हमारे घर पे आए और हमसे कहा कि फैसला कर लो, नहीं तुम्हें गोली से मार देंगे। हमने कहा फैसला तमंचे से बंदूक से नहीं होता है, फैसला होता है राजी से। तो उन्होंने कहा कि फैसला तो करना ही पड़ेगा। हमने कही यार हाँ या ना, उन्होंने कही हमने कही ना। उनने इसने बात पे हम पे फायरिंग चला दी। कब की बात है ये? 7 तारीख की बात है, शाम के 5 बजे का टाइम है। उसमें हम हमारे भाई चचेरे भले आदमी प्रधान जी के लड़के सुरजीत सिंह, मोहित, उमेश, हमारी चाची, सब लोग मौजूद थे। तो सब लोग जान बचा के अपने लोग भाग गए। मेरा नाम है सुरजीत तोमर। मैं 7 तारीख को लगभग 5 बजे अपने गेट पे बैठा हुआ था, संगम प्रवेश रायपुर हंस में। अच्छा। संगम प्रवेश और ये आपके सर्वेश तीनों लोग आए तमंचे लेके और पवन से बोले कि आपको जो आपका मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है उस केस में आप फैसला कर लीजिए और वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने तमंचे दिखाए तो हमने उनसे कहा कि तमंचों से कभी फैसले नहीं होते हैं और राजी खुशी से फैसला करो। तो उन्होंने कहा फैसले तो तमंचे से करेंगे हम। और उन्होंने पवन के ऊपर 3 फायर हम लोगों के ऊपर किए और हमारे साथ में पास में मोहित हैं, मोहित की मम्मी भले आदमी और एक हमारा काम करने वाला जाटा भी हमारे गांव पड़ोसी अरविंद, वो सभी लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने गिर के कुर्सियों से नीचे गिर के अपनी जान बचाई और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बच पाए। और ये लोग तीनों लोग तमंचे से फायर करते हुए लहराते हुए तमंचे अपने घर की तरफ निकल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पाल सिंह तोमर, मैं ग्राम रायपुर हंस का रहने वाला हूँ। 2-3 बार लगातार मैं रायपुर हंस से प्रधान रहा हूँ। एक बार मेरा बेटा प्रधान रहा है, मेरी पत्नी प्रधान रही हैं। गन्ना विभाग में मैं डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ और विधानसभा से प्रत्याशी रहा हूँ और आगे मैं भावी प्रत्याशी विधानसभा का हूँ। अच्छा, 7 मार्च को जो रायपुर हंस में घटना हुई थी, क्या मामला है वो? जी, 7 मार्च को मेरा बेटा सुरजीत, मेरा चचेरा भाई अवधेश, पवन, मोहित और मोहल्ले के काफ़ी लोग मेरे दरवाजे बैठे थे। मैं उस समय घर पर नहीं था, मैं अपने फार्म पर लेबर के साथ काम करा रहा था। तभी मेरे पास खबर गई कि इसी तरीके से प्रवेश, सर्वेश और संगम ने आपके लड़के पर गोली चला दी। मैं वहाँ से भाग के आया तो मैंने ये देखा, मुझे वहाँ बताया कि सर्वेश प्रवेश ने अवधेश और मोहित से पवन से कहा था कि आप फैसला कर लो, मुकदमा वापस ले लो। इन्होंने मना कर दिया। इसी बात पे लोगों ने इन सब लोगों को गोली चलाई, ये बाल बाल बच गए और गांव के जब लोग भाग काफ़ी लोग दौड़ के आ गए तब भीड़ इकट्ठी हो गई, तभी लोग तमंचे लहराते हुए अपने घर की तरफ चले गए। अच्छा, इन्होंने आरोप लगाया है कि आपने इनके घर पे वो गोली चलाई, इनसे क्या कोई रंजिश है आपकी? ऐसा है, 4-5 साल पहले सर्वेश जो है इसके सर में गोली लगी थी और वो गोली लगी थी उसका इन्होंने मुकदमा लिखाया। ये काफ़ी दिन सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती रहे, उसमें करीब इनका 3 लाख रुपये खर्च हुआ। इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने हमसे 3 लाख रुपया कर्ज बतौर उधार लिया था कि हमारा लड़का ठीक हो जाएगा तो हम आपको वापस कर देंगे। 2 बोतल ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हमारे दोनों बेटों ने 1-1 बोतल ब्लड दिया, क्योंकि ये रिश्ते में इनके सर्वेश के बाप ऋषिपाल सिंह हमारे मौसेरे भाई हैं, इसलिए इनको ब्लड भी दे दिया, इनको पैसा भी दे दिया। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने हमसे कहा कि हम पालेज करेंगे, ताऊ हमने इनको 6 बीघा ज़मीन बटाई भी दे दी। फिर इनके पास पैसा नहीं था
तो हमने इनको पैसा दिया लागत के लिए। जब पाले इनकी टूट गई तो हमने इनसे कहा हमारा पैसा और लागत और वो पैसा वापस कर दो, तो इनकी नीयत खराब हो गई। इसी बात पे इन्होंने हम लोगों से बुराई करना, हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाना और दरख्वास्त देना शुरू कर दिया बेईमानी करने के लिए। ये हम इनसे क्या रंगदारी मांगेंगे, ये खुद ही इनके खाने को रोटी नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो हम इनसे क्या रंगदारी मांगेंगे। ये तो हम पे इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि इनका पैसा हजम कर लें। अच्छा, गांव के जो अवधेश हैं, ये इनके जो गोली मारी थी किसने मारी थी और उसमें मुकदमे में क्या हुआ? अवधेश की गोली सर्वेश और प्रवेश ने मारी थी, और उसके बाद इन्होंने जब गोली मारने के बाद अवधेश अस्पताल में रहा, उसकी भी हमने मदद की क्योंकि हमारे परिवार का हमारा चचेरा भाई है, और वो मुकदमा इस समय ADJ 5 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रहा है, उसकी 20 तारीख गवाही की लगी हुई है। इन लोगों को ये लग रहा है कि हमारी इस केस में सजा हो जाएगी, इसलिए अवधेश पवन को ये धमका के फैसला करना चाहते हैं, और फैसला नहीं करेंगे तो इनके गोली मार देंगे। ये गाँव में लोगों से ये कहते हैं कि अगर इन्होंने फैसला नहीं किया तो हम जेल तब जाएंगे, इनमें से एक को मार देंगे। इनका बिजनेस क्या है? ऐसा है, ये गौरव जिसका नाम है, ये हमारे गांव का रहने वाला नहीं है, कहीं रामपुर की तरफ का ही रहने वाला है, इनके यहाँ रहता है। इन लोगों का काम यह है कि हमारे गांव में जंगल है तो वहाँ पर गांजा बहुत होता है, तो छोटे छोटे बच्चे उस गांजा को बदल के लाते हैं और उस गांजा उससे सुल्फा बनता है, उस सुल्फे को ये लोग फुटकर में खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उस सुल्फे को ये बरेली है, बाबाओं की मणि है, और अड्डों पर ये बेचते हैं, और इनके पास बाहर से तमंचे लाते हैं वो भी गांव में बेचते हैं। भोले भाले बच्चों को ये चर्स सिखाते हैं, स्मैक सिखाते हैं, दारू सिखाते हैं, और जब वो इनके चंगुल में आ जाते हैं तो उनकी संपत्ति बिकवा लेते हैं। जैसे हमारे गाँव में एक भरत कहते हैं, बाबा जी छोटे नाम है, उसके पास 40 बीघा जमीन थी, उस 40 बीघा जमीन को इन लोगों ने बिकवा ली। आज इनके यहाँ वो पड़ा पड़ा गोबर डालता है, और उसी से इन्होंने स्टैंड बैन दिलवाया क्योंकि उससे बस कुछ नहीं रखा, सारी जमीन उसकी बिकवा ली। इसी तरीके से एक टालू है हमारे यहाँ कश्मीरपुर के, उनकी 60 बीघा जमीन बिकवा के इन्होंने खा ली, और अभी 4-5 लड़के गाँव के भोले भाले इन्होंने कब्जे में कर रखे हैं, उनके लिए भी यही धंधा सिखाते हैं, चरस गांजा भांग जब ये सीख जाते हैं तब इनकी संपत्ति बिकवा के इसको ये हजम कर लेते हैं।